हे गाइस, तो आज हम जानेंगे कि साइंस जो है वो रियली कैसे वर्क करती है, या साइंटिस्ट जो है वो कैसे न्यू लॉज को इन्वेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आपको इस तरह की वीडियोस अपलोड करें तो आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम रेगुलर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि साइंस के न्यू लॉज जो हैं वो कैसे इन्वेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आप कोई प्रॉब्लम स्टेट करते हैं। स्टेट द प्रॉब्लम मीन्स ये है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेट की जाती है कि रियल में ऐसा है क्या। जैसे कि ग्रेविटी वाले केस में अगर हम जाएं, तो जो न्यूटन थे उन्होंने ये स्टेट किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के नीचे की ओर ही क्यों आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सेब है, कुछ भी आप ऊपर की तरफ फेंकें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आता है ऐसा। तो ये है प्रॉब्लम को स्टेट करना, कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेट की गई है कि चीज़ें नीचे की ओर ही क्यों आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेट की जाती है। जो भी आप नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके आधार पर एक आप प्रॉब्लम स्टेट करते हैं कि ये बात है और ऐसा क्यों हो रहा है लगातार। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेट हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो किसी ने पहले इस बारे में कोई बात की हो, या कुछ की जो भी हमारे पास रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी हो, उन सभी को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि न्यूटन ने अपने टाइम पर जो कैपलर के लॉज थे, तीनों के तीनों, उन लॉज को देखा, उनके बारे में और गहराई से स्टडी की, या जो हमारे गैलीलियो गैलीली थे, उनकी जो आपका जो लॉ ऑफ इनर्सिया था उसे देखा, उसे उन्होंने समझा, और उसके बाद में उसमें मॉडिफाई करने के बाद आपको जानते ही हैं कि उन्होंने फोर्स का जो है बताया कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जो है उन्होंने लॉ ऑफ इनर्सिया के आगे ही इन्वेंट किया था, वहीं से आपका जो लॉ ऑफ मोशन है वो उन्होंने इन्वेंट किए थे। तो इन शॉर्ट होता ये है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सभी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर नीचे की ओर ही आकर के क्यों गिरते हैं, सभी नीचे की ओर आते हैं। अब डाटा कलेक्ट करने की बात है, तो आप डाटा कलेक्ट करते हैं पूरा कि इस बारे में किसी ने पहले क्या क्या बातें कही हैं, या इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं। जैसे कि उन्होंने कैपलर के लॉ लिए, आपके गैलीलियो गैलीली का इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया लिया, और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने कलेक्ट की। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद की जाती है एक हाइपोथेसिस क्रिएट। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि यहाँ आप अपना एक विचार लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाते हैं पहले। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ के, जैसे कि यहाँ पे जो न्यूटन थे उन्होंने ये सोचा कि सभी ऑब्जेक्ट आपके धरती पे, अर्थ पे आके क्यों गिरते हैं। इसके पीछे का उन्होंने कारण सोचा कि अर्थ जो है वो किसी फोर्स से ऑब्जेक्ट को खींचती है, और ये फोर्स अर्थ का ज़्यादा है इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर के गिरते होंगे। तो यहाँ पर पहले होंगे केस होता है कि ऐसा हो सकता है, तो ये होती है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो होती है, इसके बाद में टाइम आता है कि अब इस हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इसके आधार पर जो न्यूटन थे उन्होंने भी अपनी हाइपोथेसिस को चेक किया कि ये बात सही है या गलत है कि अर्थ किसी फोर्स से करती है। अब जो अलग अलग लॉज इन्वेंट होते हैं उनमें हाइपोथेसिस अलग अलग होती है, और उसको टेस्ट भी अलग अलग तरीके से ही किया जाता है। अब हाइपोथेसिस जब आपकी टेस्ट कर ली जाती है, तो उसके बाद में आपको डाटा मिलता है कि आपके इस तरह के रिजल्ट यहाँ पर रहे। अब इस डाटा को आप जो है स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद में डाटा को फिर एक रिजल्ट पे पहुंचा जाता है, एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि क्या कारण था, या किस आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहा। अब जब कंक्लूजन पे जाते हैं, तो कंक्लूजन पे आने के बाद में दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी हाइपोथेसिस जो है वो गलत होगी, या आपकी हाइपोथेसिस सही होगी। अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो सही होती है, तो फिर क्या करते हैं, उसको रीचेक करते हैं कई बार उसे रीचेक करते हैं, और फिर करते हैं कि ये पता करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस सही जा रही है या नहीं जा रही है। सही जा रही है तो एक नया लॉ जो है वो इन्वेंट हो जाता है और वो लोगों को बता दिया जाता है। ठीक है, और अगर आपके जो रिजल्ट हैं वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो फिर वापस पीछे घूमते हैं, और फिर हाइपोथेसिस जो है, जो आपकी सोच थी, उसको दोबारा सोचते हैं कि यहाँ पर क्या कमी रही होगी, या क्या इसमें कुछ और हो सकता था। यानी कि अब अपनी सोच को फिर से मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद में फिर से वही टर्म्स जो हैं वो घुमाए जाते हैं। अगर सही आता, आपका जो डाटा है वो सही बैठता है, तो फिर आप हाइपोथेसिस फिर चेक करते हैं, और गलत आता है तो फिर से आप वही रीचेक, अपनी हाइपोथेसिस को रिक्रिएट करते हैं।
तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि कभी भी जब नया लॉ इन्वेंट होता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेट की जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, दूसरे नंबर पे ये चेक किया जाता है कि आपका जो डाटा है उस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इसके बाद में एक हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है, एक सोच क्रिएट की जाती है कि क्या हो सकता है, इसके बाद में उसे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में उसका डाटा निकल के आता है, तो उस डाटा को आप चेक करते हैं, चेक करने के बाद में दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो आपकी हाइपोथेसिस सही थी या गलत थी। सही थी तो आप उसे रीचेक करते हैं दो तीन बार, रीचेक करने के बाद में फिर भी सही आ रही है तो फिर वो नया लॉ इन्वेंट हो जाता है, और अगर हाइपोथेसिस गलत जाती है तो फिर से सोचते हैं और फिर उसे दोबारा करते हैं। तो ये था कि आखिर में लॉ जो है वो कैसे नए लॉ बनाए जाते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है इस वीडियो में कि देखिए आपको पता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। हमारा आपसे क्वेश्चन है सीधा सीधा कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि आप कमेंट करके बताएंगे कि एस्ट्रोनॉमी रियल में कैसे वर्क करती है, और आप बताएंगे तो अच्छा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर देंगे।